यूपी एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं एक नई खबर। 23 मार्च 2024 को जनरल चौपाल गांव आनंदपुर झरोट तहसील खरखोदा जिला सोनीपत हरियाणा में श्री सतबीर सूबेदार की अध्यक्षता में महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के 93वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय भ्रातृ यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय भारतीय यज्ञ के संयोजक एवं वैचारिक क्रांति के राष्ट्रीय कवि ऋषिपाल भदाना जिला सोनीपत हरियाणा के साथ श्री समुद्र नंबरदार चौधरी बाल किशन दहिया चौधरी पूरन सिंह श्री जयपाल जी श्री जगबीर सुबेदार श्री राजेंद्र सिंह पूर्व प्रधान श्रीमती अनीता मीनू सोनू आंगनवाड़ी सहित गांव के सैकड़ों लोगों माता बहनों और बच्चों ने यज्ञ में आहुतियां देकर उनके राष्ट्र के प्रति सच्चे बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी व उन्हें पुष्प अर्पित करके नमन किया। इस अवसर पर गांव के बच्चों द्वारा देशभक्ति भजन कविता सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति में मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी से की गई। इस अवसर पर 42 बच्चों एवं समाज सेवकों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक ऋषिपाल भदाना ने कहा कि 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने अपने देश प्यारे भारत को अंग्रेज से आजाद करवाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर देश प्रेम की तिरंगे को अपने जीवन बलिदान कर दिया था और अपने बलिदान से सोए हुए करोड़ भारतीयों को शोषण के विरुद्ध जगाकर क्रांति अमर रहस्य का संदेश दिया था, जिसकी वजह से आज भी भारत के नौजवानों के लिए वे प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। अजर अमर है जो हमेशा रहेंगे। ऋषिपाल गांव भदाना ने अपनी स्वरचित सामाजिक एवं देशभक्ति कविताओं के माध्यम से उपस्थित जनों को भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाया व उसे बचाने की अपील करते हुए कहा, जिस मातृभूमि के लिए हमारे शहीदों ने दी थी कुर्बानी, उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपने को और इस भारत की मिट्टी को पुनः जीवित करो और बहुत सारी समस्याएं ही अभी इस भारत की इनका समाधान मिलकर करो। इस अवसर पर गांव के कार्यक्रम रखने के लिए श्री सतबीर सूबेदार सहित अनेक ग्रामवासियों ने ऋषिपाल भदाना का फूल पहनाकर स्वागत किया गया। मंच का संचालन जगदीश शास्त्री ने किया। सम्मानित बच्चों में आरुषि ग्रुप, निशा ग्रुप, प्रियंका ग्रुप, नाविक ग्रुप, निशा, हिमांशी, छवि, रीना, राशि, प्रीत और सहित 42 बच्चों व समाज सेवकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रविन्द्र प्रजापत, ककरोई प्रजापत, श्री जगदीश सिंह, सूबेदार चौधरी, प्यारे लाल चौधरी, पंडित कमलकांत गांव, जारोठी दिलबाग सिंह, श्री तूफान सिंह, श्रीमती अनीता कुमारी आंगनबाड़ी, सुनीता कुमारी, जिला सोनीपत में महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के 93वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्र प्रति यज्ञ के ग्रामवासियों द्वारा उनके राष्ट्र के प्रति सच्चे प्रेम को नमन किया गया और इस अवसर पर ग्राम के बच्चों ने देशभक्ति कविता सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें 42 बच्चों व समाज सेवकों को सम्मानित किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि जो आज देश को एक और भगत सिंह की जरूरत है, जो कह सके इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिसने करोड़ों लोगों के
शोषण के लिए आवाज उठाई थी। क्रांति अमर रहे का संदेश देकर नौजवानों को संगठित करने में सफलता पाई थी। ऐसे नौजवान की जरूरत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।